लड़की मत छेड़ो यार और रात को तो मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती एंड दे कॉन्स्टेंटली केप्ट स्टेयरिंग एट अस दैट्स व्हेन शी गॉट सो स्केयर्ड सो हे वेलकम बैक टू माई चैनल और अभी करंटली मैं अकेला दिख रहा हूँ आपको फ्रेम में लेकिन आज मेरे साथ है ना दो सुपर वुमेन है मेरे को तो ऑनेस्टली सुपर वुमेन्स ही लगती है और मतलब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई वीडियो सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉडकास्ट और एनीथिंग ये एक बहुत बेसिक सा कन्वर्जेशन है एंड सिंस मुझे पर्सनली ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा पसंद है आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन कि बींग अ गर्ल इन इंडिया ट्रैवलिंग से आपको कितना डर लगता है Do you want to go first? Travel करने से या अकेले कह लो या ग्रुप में भी is there any instance जब ग्रुप में भी आपको डर लगा हो और अकेले भी? ग्रुप में तब डर लगता है जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हो जो इतने आपको पसंद नहीं है मतलब जिन अगेन वाइब मैच नहीं करती या क्या जो भी है मतलब सपोज एक ग्रुप जा रहा है जिसमें एक क्लास का ग्रुप जा रहा है ठीक है 8th स्टैंडर्ड का पूरा ग्रुप जा रहा है बट आपको पूरी की पूरी क्लास तो पसंद नहीं आती ना आपको उस क्लास के सिर्फ कुछ बच्चे पसंद आएंगे आप उसी ग्रुप के साथ रहोगे ऑल दो पूरी क्लास गई है बट वही तो वो एक अनसेफ लगता है कि अगर मैं उस ग्रुप से कहीं हट गई और इधर उधर भटक गई अकेले चली गई तो मेरे को थोड़ा डर लगता है एंड अगर सोलो ट्रैवल करना है तो वो तो है ही सेफ्टी कंसर्न तो होता ही और रात को तो मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती मतलब मेरी तो अंदर से मेरे को ऐसा थोड़ा अजीब सी होती है बेसिकली दृष्टि की फट जाती है मैं अवॉइड कर रही थी इस सेंटेंस को बोल दिया था ऑलमोस्ट मेरी तो मेरी तो आयुषी आई नो कि आप बहुत ट्रैवल करते हो तो टेल मी एनी ऑफ योर स्टोरी वेयर यू एक्चुअली फेल्ट कि यार अभी थोड़ा अनसेफ टाइप हो रहा है बिकॉज आई नो कि ये हुआ ही होगा अनसेफ टाइप हो रहा है यूजली ना मैं मतलब आई ट्रैवल अ लॉट बट मैं सोलो ट्रैवल नहीं करती यूजली सेम शहर में मतलब हम लोग एक ही शहर में साथ में जाते हैं जैसे मैं और मेरा भाई बहुत ट्रैवल करते हैं हम बैकपैकिंग बहुत करते हैं हम ऐसे मतलब हिचहाइक बैकपैकिंग कोई भी ट्रेन में चढ़ गए कोई भी मतलब अगर हम कहीं बाहर हैं तो हॉस्टल में रहेंगे ऐसे करते हैं तो अनसेफ तो रेयरली ही फील हुआ है मेरे को तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक टचवुड बहुत ही बढ़िया रहा है कि ट्रैवल करते टाइम वो भी इट कम्स विद एक्सपीरियंस ऑल्सो मुझे लगता है मेरे काफी फ्रेंड्स भी हैं जो सोलो ट्रैवल करते हैं और पूरे दुनिया में ट्रैवल करते हैं वो ईरान जैसी कंट्रीज भी सोलो वगैरह जाते हैं वो लोग और लड़कियां बट उससे है कि आपको ना एक थोड़ा सा विजिलेंट तो रहना ही पड़ता है वो तो है ही बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाउ टू कम्युनिकेट हाउ टू रिस्पेक्ट द कम्युनिटी हाउ टू नॉट ऑफेंड एनीबडी हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वो सब आप अगर ये सब चेक्स आप अगर रखो ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती मतलब यू कैन मैनेज एंड या राइट सो आई टेल यू अ स्टोरी आई हैव अ फ्रेंड हु रिसेंटली वेंट समवेयर सोलो ट्रिप पे एंड शी इज अ गर्ल और वो मतलब एक ऐसी जगह गई थी मैं जगह का नाम नहीं लूंगा बट विच वॉज अ वेरी नॉर्मल प्लेस टू गो ठीक है एंड इवन आई हैव बीन देयर ओके तो नाउ आई टेल यू ऑल दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव आई टेल यू मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया बीट मनी वाइज बीट स्टे वाइज बीट फूड और एनीथिंग ठीक है बट वेन शी वेंट एंड शी टोल्ड मी ऑल दिस के उसको मतलब उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उसका जो चश्मा है वो गलत टाइम पे टूट गया एंड शी वॉज नॉट एबल टू यू नो सी एनीथिंग प्रॉपरली एंड दैट्स वेन शी गॉट सो स्कैर्ड बिकॉज उसको एक तो नंबर वन उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी कि आई एम अलोन राइट नाउ एंड आई डोंट नो वेयर टू गो एंड नंबर टू ऐसा हो गया था कि उसके आजू बाजू के लोग भी जो थे आई डोंट नो इफ एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा कुछ ट्रॉमेटिक तो नहीं मैं बोलूँगा बट उसको एक ऐसा फीलिंग आ रहा था दैट शी इज अनसेफ एट दैट प्लेस जस्ट बिकॉज उसका एक चश्मा टूट गया था सो हाउ डू यू टैकल इट एक बार हुआ था एक्चुअली इट वॉजंट दैट बैड बट फॉर द पीपल हु वर विथ मी मैं ट्रैवल कर रही थी अपने कॉलेज रूममेट्स के साथ फ्लैटमेट्स के साथ अभी लास्ट ईयर ही एंड देवर विजिटिंग फ्रॉम लंडन हियर और हम मैं उनको एक बहुत ही आइकॉनिक सिटी आइकॉनिक मॉन्यूमेंट दिखाने ले गई थी एंड वहाँ पे क्योंकि कोविड टाइम था तो ओनली इंडियन क्राउड था मतलब देवर नो फॉरेन विजिट्स लास्ट ईयर एनी वे राइट तो एंड हमारा ऐसा ही हम जिस तरीके से हम ट्रैवल करते हैं हम हर बार बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं हर जगह बहुत अच्छे से फोटोज वगैरह लेते हैं मतलब वी लाइक दैट राइट हम यहाँ गए इस जगह पे दो इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ सेम डे पे विद इन लाइक एक दो घंटे के गैप में वेयर पीपल ईव टीज्ड ओके
ईव टीज्ड बोल लो या फिर जस्ट गॉट इन आर स्पेस, यू नो, एक जगह पे हम थे कि मॉन्यूमेंट उस साइड है, बट वो हमारे सामने आके बैठ गए हमारी तरफ देख के, एंड दे कॉन्स्टेंटली केप्ट स्टेयरिंग एट अस. दिस वॉज अ बंच ऑफ बॉयज एंड दे केप्ट स्टेयरिंग एट अस एंड माई फ्रेंड्स फेल्ट सो अनकम्फर्टेबल, क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत ट्रैवल किया है तो मेरे को आदत हो गई कि कैसे टैकल करना है, कैसे इग्नोर करना है, ये सब उनको नहीं थी. तो वो बहुत ज़्यादा शेकिंग, लाइक दे वो वेरी शेकिंग, राइट. एंड देन उसके बाद वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, ऐसे ही फास्ट फूड जॉइंट क्विकली, दो मॉन्यूमेंट्स के बीच में. एंड देन वहाँ पे दिस रैंडम ओल्डर गाय, ही कम्स अप टू अस एंड ही इज लाइक, हाई गर्ल्स, हाउ यू एंड थिंग्स लाइक दैट, बट नॉट इन अ फ्रेंडली वे, इन अ वेरी वेरी क्रीपी वे, कि उसने वो बोला और वो निकल गया, नॉट लाइक ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स. तो वो लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि वो, जब तक हमने वो सिटी का राउंड उस दिन खत्म किया, दे वर जस्ट अनॉयड एंड दे जस्ट वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ देयर. तो मुझे लगा कि ये, यू नो, इट पुट्स अ वेरी बैड इमेज ऑफ the of country, that, of that place only, of the place, of the people, on a lot of people, right? Do you feel like, Drishti, ये question मेरे को आपको भी पूछना था, do you feel that अभी places like Delhi, okay, ये एक ऐसा बन चुका है that girls specifically are scared to go to Delhi. तो अगर आपको कभी ऐसा कोई बोले कि चलो solo trip पे जाना है, or if there is any brand who's sponsoring the entire trip to Delhi, but it has to be solo, would you prefer going there? Just because of the things that we have heard about Delhi. Go ahead first. I don't think I would go there. So but हाँ, पैसा मिल रहा है तो शायद जाऊँगी. Okay, मान लो आपको बहुत पैसा भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, but just because it is Delhi. अभी मान लो दिल्ली और आपको एक हिमाचल का भी मिले, ठीक है? I would choose Delhi, क्योंकि हिमाचल में पहले मैं नहीं गई हूँ, और दिल्ली में, लिसन तो, क्यों मैं दिल्ली चूज करूंगी? क्योंकि मेरे रिलेटिव्स, फैमिली वगैरह सब वहाँ रहती है. तो मेरे दिमाग में पहला सेफ्टी का कंसर्न आ रहा है, तो मैं फैमिली वाली जगह को चूज करूंगी जहाँ से मैं फेमिलियर भी हूँ, हाँ, एंड आई नो समवन. तो अगर मैं कहीं अकेले भी हूँ दिल्ली में किसी एक कॉर्नर में, मेरे साथ कुछ हो भी जाता है या आई नीड हेल्प, तो मैं कॉल करके अपनी फैमिली को बुला सकती हूँ. बट मैं हिमाचल जाने में शायद सोचूँ, क्योंकि आई हैव नो वन टू अटेंड और समथिंग. तो वो एक दैट्स माय पॉइंट आल्सो. मतलब I've to lived in Delhi the last 5 years till 2021. I don't feel safe in Delhi. I don't. What is the main reason why you don't feel safe in Delhi? क्योंकि मेरे जान पहचान वाले लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है कि they've been tried to be like, people have tried to kidnap them. Okay. People have tried to like, they've eve teased them while they were going on the streets. काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हो चुकी हैं जिसमें यू जस्ट फील अनकम्फर्टेबल. इवन इफ कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ है, इट्स अनकम्फर्टेबल यार. हु वांट्स टू वॉक ऑन द स्ट्रीट एंड बी ईव टीज्ड और बी लुक्ड एट और बी, यू नो, लाइक ब्रश्ड अगेंस्ट और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो इसका पॉइंट सही है. एक्चुअली मैं भी अगर सोलो मेरे को जाना होता तो दिल्ली जाऊंगी, और मैं आई थिंक जा भी चुकी हूँ अकेले एक दो बार, नॉट टू ट्रैवल बट काम से और ये सब. हिमाचल, इवन दो मुझे बहुत पसंद है हिमाचल, उत्तराखंड एंड ऑल, हिमाचल, और मैं गई भी हूँ बहुत बार, मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल के इश्यूज हैं. जो चीज़ें अभी ना, रिसेंटली मैं एक ट्रिप पे गई थी अपने फ्रेंड, अपने कजन्स के साथ हिमाचल में, एंड आई वाज आस्किंग ऑल माय गाय कजन्स और माय ब्रदर्स कि अच्छा तुमने ये किया है, तुमने वो किया, ऐसे मतलब पूरे इंडिया में हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कहाँ पे गए हैं, क्या किया है. उन सब की स्टोरीज थी, हाँ दो दिन तो फोन बंद था हमारा, हम तो वहाँ पड़े थे, ये किया था, वो किया. कितना फॉर मेन, यू गाइस डू यू अंडरस्टैंड कि मतलब तुम इसे ग्रांटेड नहीं ले सकते. इस चीज को, अब दो दिन अगर मेरा फोन बंद रहे ना और मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे माँ बाप तो वहां पहुंच जाएंगे भाई, वहां पहुंच जाएंगे. मतलब इट्स अ कंप्लेंट तो पहले ही हो चुकी होगी, बहुत कुछ सेफ देयर. अब मुझे खुद सेफ फील नहीं होगा अगर दो दिन मेरा फोन बंद है और मैं अकेले हूँ वहां पे. सो आई विल टेल यू वन इंसिडेंट, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ. आई वेंट टू केदारनाथ एंड मेरा स्ट्रेट 3 डेज के लिए आई फील मेरा नेटवर्क ही नहीं था, एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल कॉल फ्रॉम माय फैमिली. ओके, आई डोंट नो, लाइक ये एक मेंटालिटी बन चुकी है और व्हाट एग्जैक्टली इट इज आई डोंट नो, बट कई ऐसी चीजें हैं जो हम एज वुमेन, चाहे हम अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अपने भाई के साथ, किसी के साथ भी, नहीं कर सकते जो बंदे कर सकते हैं. जैसे बहुत लोगों ने बताया कि हाँ मैं तो किसी से भी पूछ के, आई विल स्लीप एनीवेयर, आई विल गो, यू नो, विद एनीबॉडी, किसी से भी लिफ्ट ले लूंगा मैं. मेरे भाई मुझे बता रहे थे कि वो ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो किसी से भी लिफ्ट ले लेते हैं. आई हैव डन दैट, आई हैव डन लॉट ऑफ, तुमने भी लिए होंगे, राइट? हम ले सकते हैं किसी से भी लिफ्ट?
like nahi, right? Like, so I would like to tell the audience ki bhai, if you are able to do that, if you are on the other side of things, then don't take it for granted. It's a blessing if you're able to. So, I would like to know this one perspective from both of y'all. कि ये जो safety issues है, ये कैसे eradicate हो सकते हैं इंडिया से? Like, अगर मान लो आप कोई दूसरे कंट्री में हो, still you will feel that the same thing? और वहाँ पे थोड़ा आपको safe लगेगा? Depends on the country. Depends on the culture. You know, okay. कई जगहों पे, I have actually roamed around in Belgium काफी late. Okay. Amsterdam very very late. Even though I didn't feel very safe in Amsterdam, but Belgium mein I felt काफी safe. रात के 3 बजे भी अकेले घूम के. Depends on the culture of the place, यार. Okay. यहाँ पे भी अगर तुम गोवा जाओ, गोवा में तुम रात को 3 बजे घूम रहे हो ना, as a girl also. It's not that scary. It isn't scary. I haven't had like a scare till now, and I've gone to Goa 8 times. Correct. So, yeah. City पे वही है, मतलब country to city सब depend करता है, वहाँ के लोग किस तरीके के हैं. Okay, so what do you think, what can happen so that ये चीज eradicate हो जाए? Eradicate तो बहुत मुश्किल है. मुझे नहीं लगता eradicate. Awareness वहाँ तक आने में हम बुढ़े हो चुके होंगे या मर चुके होंगे. हर जगह को सेव करना तो बहुत मुश्किल है. एक ही चीज कर सकते हैं कि ऑल योर फीमेल ऑडियंस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू बी रेडी फॉर व्हाटएवर. यू नो, दिस एक्चुअली मेक्स मी वेरी सैड व्हेन अ गर्ल सेज दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यहाँ पे कैसा हो रहा है कि तुम मतलब अभी ये लेवल आ चुका है वेर यू हैव एक्सेप्टेड कि भाई ये बदल नहीं वाला, ये लेवल आनी चाहिए, ये हमेशा से है. Exactly, and this makes me sad. खुद सोचना, तू एक रोड पे चल रहा है, ठीक है, और वहां पे गड्ढे हैं, तो तू अपनी बाइक को तेज तो नहीं चला सकता ना, ये सोच के कि भाई रोड है, बाइक तो चलेगी चलेगी, गड्ढा है चाहे कुछ भी आए, गड्ढा फिल करना सरकार की जिम्मेदारी है या क्या. यू बी केयरफुल, हाँ, तुझे अपनी जिंदगी बचानी है, एंड यही होता है सब अपना अपना. सैड है, बहुत सैड है कि गड्ढे क्यों नहीं फिल. दूसरे लोग, मतलब दूसरों के एक्शंस के लिए हमें सतर्क रहना पड़ रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हमें अपने, मतलब आई एम सीइंग कि आई इनकरेज पीपल टू ट्रैवल, आई इनकरेज पीपल टू सोलो ट्रैवल एंड एवरीथिंग. बस तुम ध्यान रखो यार अपने साथ, तुम पेपर स्प्रे, स्विस नाइफ, जितना सब ले जाना ले जाओ. टू सैड, मतलब बीइंग अ गाय, व्हेन आई लिसन दिस फ्रॉम माय सिस्टर, सो आई हैव बीन ब्रॉट अप विद अ लॉट ऑफ वुमेन, ओके, आई हैव लाइक 4 सिस्टर्स, देन माय मॉम एंड माय आंट. तो मैं इस एनवायरमेंट में बड़ा हुआ हूँ, एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज लाइक दीज, जहाँ पे यू कैन से ईव टीजिंग हो गया या फिर जस्ट एनीथिंग, ठीक है. And it kind of makes me feel sad. So every boy watching this, yaar, please, agar koi bandi aapko approach kare koi help ke liye, to please usko sachche dil se help karo. And that is something that we can do. Yeah. Ki agar aapke aap aise shehar mein rehte ho. So yahi cheez hum kar sakte hain ki agar aapke shehar mein tourist activity zyada hai, aur agar aapko kabhi aisa lagta hai ki koi ladki aise, you know, aise situation mein hai, aapne dekha kuch, notice kiya, तो आप उसे इग्नोर मत करो, आप हेल्प करो जाकर. तो सेफ भी फील होता है, मतलब हाँ. जो लड़की अकेले भी ट्रैवल कर रही है, उसे लगता है कि एक्चुअल में मैं अकेली नहीं हूं. रिस्पांसिबल लोग हैं यहां पे आसपास, अच्छे लोग. ओके, सो एनी फाइनल वर्ड यू ऑल वांट टू टेल टू ऑल माय मेल ऑडियंस? लड़की मत छेड़ो यार. ये काफी मतलब इतना डार्क कन्वर्सेशन से, लड़की मत छेड़ो यार. So that's it from this video. अगर आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो डू चेक आउट देयर वीडियो ऑल्सो, बिकॉज मैंने दोनों के चैनल पे बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बातें की है, तो देखना ज़रूर. एंड इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा है, और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जो आपको करना है कर सकते हैं. सब्सक्राइब, कॉमेंट, व्हाटएवर यू.